सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से आए हुए कुछ अपडेट को लेकर। तो एक बैड अपडेट हम कह सकते हैं, जो हम लोग यदि ट्रेन में सफर करते हैं तो हम लोग के लिए एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, लगातार रेलवे यहाँ पे न्यू गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है कोविड-19 की वजह से। अभी कई सारे रेलवे की तरफ से न्यू रूल्स भी आ चुके हैं, और ये रूल्स जितने भी लागू किया जा रहा है सारे आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चार्जिंग पॉइंट को लेकर। क्या आप लोग को पता है, यदि आप ट्रेन में रात में सफ़र करना चाहते हैं उसके लिए एक बैड न्यूज़ है। क्या बैड न्यूज़ है, जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले आप लोग अगर ट्रेन में सफ़र करते थे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से लैपटॉप हो या मोबाइल हो, आप लोग बिल्कुल आसानी से चार्जिंग कर लेते थे, यानी कि चार्ज कर लेते थे। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। 11 बजे रात से लेकर 5 बजे सुबह तक आप लोग चार्जिंग नहीं कर सकते, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट जो है उसे ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है हम लोगों के लिए, क्योंकि मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, हम लोग को काफ़ी इमरजेंसी होता है, अगर मोबाइल ऑफ हो जाता है तो पहले जो था हम चार्ज कर लेते थे, लेकिन हम बिल्कुल ऐसा नहीं है। 11 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट ऑफ रहेगा। इस स्थिति में काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, यदि आप नाइट में सफ़र करते हैं ट्रेन से, तो आप पावर बैंक लेकर जाइए, क्योंकि इमरजेंसी में आप लोगों को काम आ सकता है। तो रेलवे ने ऐसा क्यों किया है, तो आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम पहले, यानी कि 13 मार्च की बात है, दिल्ली से लखनऊ जा रहे शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग गया। तो ये सब काफ़ी सारे कारण है, और इसके बाद कुछ बताया जा रहा है रेलवे की तरफ से, रात में कुछ लोग ऐसा है चार्जिंग में लगा देते हैं और सो जाता है। इससे क्या होता है, बैटरी फुल चार्ज होने के बाद फ़ोन फटने का चार्ज होता है, या फिर बैटरी चार्जर भी फूक जाता है। इस स्थिति में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ जाता है, और कुछ लोग यहाँ पे सो जाते हैं तो यहाँ पे मोबाइल जो है चोरी होने के भी डर होता है। इस सब कारण की वजह से एक कदम उठाना पड़ा रेलवे को। तो आप लोग को क्या लगता है, रेलवे ने एक कदम उठाया है, सही है फिर गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोग को किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो बस पसंद लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।